हे एवरीवन, आई एम हर्षप्रीत और आप देख रहे हैं लॉ एट रीच। तो यार बहुत गुस्सा आती है ना जब कोई नींद से जगा देता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको कोई नींद से जगा ही नहीं सकता है, आपको नींद से जगाना एक अपराध है, तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ये केवल कहने की बात नहीं है, ये सच भी है कि आपको नींद से जगाना एक अपराध है। स्लीपिंग इज योर फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19(1)A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन रेड विद आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन आर्टिकल्स के अंडर हमको राइट टू लिव पीसफुली ग्रांट की गई है। लेकिन इस राइट टू लिव पीसफुली में एक और राइट इंक्लूडेड है जो कि इम्प्लाइड है, दैट इज राइट टू स्लीप पीसफुली। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले बाबा रामदेव जी का योगा कैंप लगा था रामलीला मैदान पे। वहां पे पुलिस ने आधी रात को स्लीपिंग क्राउड की नींद डिस्टर्ब की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में बेंच ऑफ जस्टिसेस B.S. चौहान और स्वतंत्र कुमार ने हेल्प किया कि स्लीपिंग इज वेरी फंडामेंटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। उन्होंने कहा कि स्लीपिंग एक ऐसा लाइफस्टाइल का पार्ट है जो कि इंसान के हेल्दी रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंसान का हेल्दी रहना उसके एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो स्लीपिंग राइट है वो कोई भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। जैसे कि आर्टिकल 19 में जो भी बाकी सारे फ्रीडम्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और बाकी भी फ्रीडम्स, वो सारे एब्सोल्यूट नहीं है, दे ऑल आर बाउंड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। वैसे ही राइट टू स्लीप भी एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज बाउंड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आपका स्लीपिंग का प्लेस, मैनर, ये सब एक्सेप्टेबल होना चाहिए। स्लीपिंग आपका फंडामेंटल राइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनरीजनेबल विशेस अपनी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के सामने प्लेस करें। स्लीपिंग फंडामेंटल राइट होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे डिमांड्स करें कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के प्रिमाइसेस में सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप नेकेड ऑन रोड, ऐसा सब करना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आई होप आपको ये न्यूज इंटरेस्टिंग लगी होगी, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।